बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज का जो टॉपिक है, उसमें हम आज कमर की एक्सरसाइजेज रिपीट करने लगे हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइजेज बहुत ही अच्छी है। उसमें आपको कोई तकरीबन 5.5 से 6 फुट लंबा कोई भी रॉड या कोई स्टिक लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो आपने ऐसे उसका सेंटर जो है आपने बिल्कुल शोल्डर के ऊपर रखना है और दोनों हाथों को ऐसे फैला के किनारों से उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाओ के दरमियान फासला ये इस पोजीशन में, और आपने बॉडी को लेफ्ट और राइट मूव करना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया। अब हमने बॉडी को लेफ्ट राइट कैसे मूव करना है, लेफ्ट साइड पे डाउन करना है पहले राइट पे फिर लेफ्ट पे। ठीक है, अब ये देखिएगा साइड पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी एक्सरसाइज को मजीद रिपीट करेंगे। सामने की तरफ झुकना है आपने, बॉडी को ऐसे झुकाना है, बेंड करने के बाद आपने पांव की तरफ मूव करने हाथों को। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 3 एक्सरसाइजेज है दोस्तों, ये आपने रिपीट करनी है। इंशाल्लाह इससे आपको कमर में जो प्रॉब्लम्स हैं, बैक बोन का इशू है, लाइट एक्सरसाइजेज है, और इनमें ख्याल ये रखना है आपने कि आपने बॉडी को झटका नहीं देना। ठीक है, नॉर्मल मोशन में आपने स्लो स्पीड से बॉडी को मूव करना है और कोशिश ये करनी है क्रैक्स की आवाज़ ना हो। कमर से जो कड़ाके वगैरह निकलते हैं, कोशिश ये आपने करनी है अवॉइड करना है उनसे, वो आपके कड़ाके वगैरह ना निकले। स्लो मोशन में आपने एक्सरसाइजेज रिपीट करनी है, इंशाल्लाह आपकी सेहत उससे अच्छी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।